एपिसोड 1 और 2 में अभी तक आपने देखा कि रचित और उसके पदोड़े मामा पप्पू अपनी गाड़ी से लोकेश की बाइक का एक्सीडेंट कर देते हैं और लोकेश का दिल रचित की क्लासमेट अहाना पर आ जाता है। उसके बाद निशांत को कुछ बच्चे स्कूल में परेशान कर रहे होते हैं तो रचित निशांत की हेल्प कर देता है। उसके बाद जब प्रोजेक्ट की टीम अनाउंस होती है तो उसमें नाम आता है रचित, अहाना और निशांत का। अब लोकेश अहाना को पटाने की कोशिशों में जुट जाता है। लोकेश पहले रचित के घर आता है ताकि वो उन लोगों से दोस्ती कर सके। उसके बाद वो रचित को अकेले में पटाने की कोशिश करता है और लोकेश यही नहीं रुकता, उसके बाद वो मामा को भी पटाने की कोशिश करता है, लेकिन लोकेश की सारी कोशिशें फेल हो जाती है। और फिर जब एक दिन अहाना और निशांत रचित के घर पर आए होते हैं तो मामा अहाना को देखकर पागल हो जाता है और अहाना को पटाने के सपने देखने लग जाता है। तो जिसने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है वो जाके पहले एपिसोड 1 और 2 देख लो और अब देखते हैं कि एपिसोड 3 में क्या होता है। हे भगवान, कैसे पार्टनर्स मिले हैं मेरे को। अगर कानून ने खून माफ किया होता ना तो कसम से इस अहाना को तो खून कर देता। मैं कुछ भी नहीं करती, सारा दिन फोटो खिंचवाती रहती है। अरे भाई तू वो सब छोड़ ना। दिखा फिर लैपटॉप, दिखा मुझे। गूगल का है हाँ, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल। ओ भाई ये देख, 10 वेज टू इम्प्रेस अ गर्ल। देख इसका पहला पॉइंट देखते हैं। ओ भाई ये क्या लिखा है पहले पॉइंट में, लुक इन टू हर आईज। अबे ओ क्या बकवास कर रहा है, और वैसे भी चश्मे अंधे, जब तू उसकी आंखों में देखेगा तो बीच में चश्मा नहीं हट जाएगा, और अगर तू चश्मा हटा देगा तो वैसे ही तेरे को ब्लर दिखेगा, कोई फायदा नहीं है तेरा। अरे गाइस यार तुम लोग रहन दो, ये सब मत पढ़ो। तुम लोगों से ना कोई नहीं पटने वाली, ना तुम्हें कोई घास डालने वाली। अरे तू चुप कर यार, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अबे तू रहने दे यार, काम कर लेते हैं। तुम एक काम करो, रहने दो, लाओ मुझे दो। निशांत बताओ क्या करना है। देख तुझे क्या करना है, ये सारा ना सिलेक्ट कर और इसका ना फॉन्ट चेंज कर दे। ओके अबे ये क्या कर दिया बेवकूफ, डिलीट कर दिया प्रोजेक्ट। अबे तू पागल वागल है क्या। सॉरी। अरे आना क्या कर दिया यार, तू काम कर, तू जा और रील्स बना। हट यार, इतनी मुश्किल से प्रोजेक्ट बनाया था, अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी सारी। यार तेरे को बोल रहा था ध्यान दे लेने की, नहीं। चलो जैसे तैसे करके अपना प्रोजेक्ट तो रिकवर हो गया, लेकिन अभी भी भाई बहुत काम पेंडिंग है। अरे रचित भाई मुझे ना बहुत भूख लग रही है, चल ना कुछ खाने चलते हैं। भाई खाने चल लेंगे लेकिन पहले काम कर लेते हैं। भाई रचित समझा कर, बहुत तेज भूख लग रही है, चल ना यार, चल 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 चल। अच्छा चल ठीक है, आना तो कुछ खाएगी। नो नो आई एम ऑन अ लो कार्ब डाइट, तुम लोग जाओ। अबे यार इसके अलग ही ड्रामे है, चल हम चलते हैं। चल हाय अहाना। हाय अहाना, मुझे लैपटॉप में थोड़ा काम करना था, तो इफ यू डोंट माइंड मैं इसे यूज कर सकता हूँ? या श्योर। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अबे अपना प्रोजेक्ट कहाँ है? अबे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। अबे आना तूने अपना प्रोजेक्ट छेड़ा था क्या? नहीं मैं क्यों छेड़ूंगी। अबे तो कहाँ गया यार, मिल नहीं रहा। कोई आया था क्या? हाँ वो यश आया था, उसने ना थोड़ी देर सिस्टम यूज किया था। अबे तू पागल वागल है क्या, तेरे चक्कर में हमारा प्रोजेक्ट चला गया। अरे भाई तूने एक काम कर, पहले रिसाइकल बिन चेक कर। अबे रिसाइकल बिन में नहीं है भाई, ये देख नहीं है। अरे क्या यार आना, तू कर क्या रही थी? और पहली बात ना, तुझे लैपटॉप देना ही नहीं चाहिए था। अरे और दिया तो दिया, एक बार चेक तो कर लेती, वो कर क्या रहा था? वो मैं फोटोज क्लिक कर रही थी। अबे फोटोज फोटोज फोटोज, सारा दिन बस फोटोज ही खींचती रहेगी क्या? और कोई काम नहीं है तेरे पास? तेरी फोटो खींचने के चक्कर में ना हमारे प्रोजेक्ट की ऐसी तैसी हो गई, अब कहां से लेके आऊंगा प्रोजेक्ट? सारी मेहनत में पानी फेर दिया तूने।
क्या यार रचित, रुला दिया ना बिचारी को। भाई उसके काम ऐसे है, रोएगी और क्या करेगी वो। अरे तो हट यार। अरे आना, आप रो मत, कोई बात रो मत, कोई बात अरे कोई बात नहीं, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। अबे ओए, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। अरे यार इतनी सी बात, चंचन है, ये ले पेन ड्राइव, इसमें अपने प्रोजेक्ट की कॉपी है। ले कर ले। ये कांता, तू कब वापिस आएगी रे? पता है तेरी याद में मैंने सब खाना पीना छोड़ दिया, एकदम खाना पीना छोड़ दिया। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते हैं आप हमसे? मैं तो कह रही हूँ कुछ खा लिया करो, वरना पतले हो जाओगे और बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे। चलो मैं बाद में बात करती हूँ, मेरे को ना बाबा बुला रहे हैं। अरे बाबा से बाद में बात कर लेना ना, पहले इस बाबू से तो बात कर लो। अच्छा, अगर सारा दिन तुमसे बात करती रहूंगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा? अरे हमारे घर का काम तो तुम करती थी, तुम्हारे हाथ की लगाई झाड़ू, तुम्हारे हाथ का लगाया पोछा, अरे हजारों चर्चे थे इन सब के। अच्छा एक बात बताओ, मालकिन जी मतलब दादी जी कुछ काम नहीं करती क्या? अरे वो बुढ़िया काहे कुछ काम करती है, दादी तो इतना काम करती है, इतना काम करती है तू पूछ मत। अरे पप्पू पदौड़े, अब कौन सी नई खिचड़ी पका रहा है? अरे कुछ नहीं दादी, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दो ना, पहले इतनी टेंशन रहती है मेरे को। वाह बेटा वाह, तुझे टेंशन हो रखी है, ये तो वही बात होगी जैसे अंबानी को पैसे की कमी हो गई। बेटा ये टेंशन वेंशन के बहाने ना तेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते। आए हाय पप्पू पदौड़े। आ हा दादी ठीक है, जा रहा हूँ टॉयलेट, पता नहीं कब सुधरेगा ये। अबे भाई पैरों में बहुत दर्द हो रहा है यार। अरे तो किसने बोला था ट्रूथ एंड डेयर में मैडम को मुर्गा बनने का डेयर देने के लिए? भाई पहली बात तो मुर्गा नहीं मुर्गी, और दूसरी बात ये बता, मैडम हमें मुर्गा बनाए तो ठीक, हमने मैडम को डेयर दे दिया तो? अरे भाई वो मैडम है, वो टीचर है हमारी यार, और तुझे पता है आज तक का रिकॉर्ड था, मुझे एक पनिशमेंट नहीं मिली थी, तूने मेरा रिकॉर्ड तोड़वा दिया यार। हाँ तो भाई रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है। अरे कुछ और यार, आयुषी पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में, और इन मैडम क्या सोचेगी मेरे बारे में, भाई तूने मेरी ना इज्जत मिट्टी में डुबा दी यार। अबे छोड़ ना वो, देख गुड आफ्टरनून सर। अब कौन हो तुम? लोकेश। अरे लोकेश मेरा छोटा भाई है, मैं उसका भाई हूँ चंदन सर। व्हाट हैपेंड? अरे सर आप व्हाट हैपेंड छोड़िए, अब हमारी बात सुनिए। व्हाट बात? अरे सर चाहिए क्या बताओ ना, चाहिए क्या? व्हाट चाहिए? अरे सर निशा मैम के दिल की चाबी, मतलब कि उनका फोन नंबर। What bakwas are you doing? I am not like that. अरे सर वी नो यू आर नॉट लाइक दैट, बट यू नो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस एंड देयर शुड बी सम मसाला ऑफ लव इन योर लाइफ, राइट? What do you want? Okay sir, I'll tell you. Sir, what you have to do is, हमें ना प्रोजेक्ट में अच्छे मार्क्स दो और हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करवा दो, उसके बदले हम आपको मैडम का नंबर दे देंगे। व्हाट से अब कहाँ गए? उई आ गई मैडम।
एक्चुअली मैडम आई लव यू। आपकी आंखें बहुत प्यारी मैडम, आपके बाल तो वाह वाह क्या बात है मैडम, मैडम आपकी साड़ी बहुत अच्छी है मैडम, आप क्या चलते हो मैडम, वाह क्या बात है मैडम। सर आप कुछ बोल रहे थे? तेरी की ये प्यार में क्यों होता है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भूख सी लग रही है, कुछ खाने का भी समय हो ही गया है, खाना लेके आती हूँ। पहले तो मैं छोले कुलचे खाऊंगी और उसके बाद ऑनलाइन खीर ऑर्डर करूंगी। अरे सलाद कहाँ है? ओहो सलाद लाना तो मैं भूल ही गई, अभी लेके आती हूँ। बेटे छोले कुलचे, अरे पप्पू मस्त। पप्पू क्या हुआ? तूने मेरा खाना खा लिया? अरे आपका खाना था पर अब तो मेरे पेट में गया। मैंने अपने लिए मंगवाया था, तेरी हिम्मत कैसे हुई खाने की? अरे तो क्या हुआ, मुझे भूख लगी थी मैंने खा लिया। अनाज के दुश्मन, मेरा ही खाना मिला था तुझे खाने के लिए। अरे दादी चप्पल नीचे रखो, क्या कर रहे हो? रामखोर आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अरे बुढ़िया इसको नीचे रख दे, चोट लग जाएगी बुढ़ापे में। बुढ़िया बोला? किसको बुढ़िया बोला? आज तो तेरी मैं खाल लोच के मानूंगी। अरे मैं तो लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मैं तो फोड़ दूंगा, बेहोश जाएगी, बाहर जाके पड़ेगी बिल्डिंग के। रुक तू, नीचे रख चप्पल, नीचे रख, एक पाद मारूंगा यही बेहोश जाएगी, नीचे रख, बस नीचे। अरे अरे यार ये क्या लगा रखा है, क्या मामा क्या दादी, बैठो आराम से। मेरा खाना खा लिया इसने। कोई बात नहीं बैठो यार, मत करो यार। क्या करते रहते हो सारा दिन घर में, यही कलेश चलता रहता है। मैंने अपने लिए खाना मंगवाया था, मुझे भूख लगी थी, मेरे आने तक ये खाना खा गया पूरा का पूरा। अरे लवारिस पड़ा था खाना खा लिया मैंने, मुझे क्या पता इस बुढ़िया का था, मतलब दादी का था। अरे मामा शांत हो जाओ। दादी कोई बात नहीं, खाना था खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मामा आप बदतमीजी मत किया करो दादी के साथ। अच्छा ये सब बातें अब खत्म करो, देखो मुझे भी बहुत भूख लगी है, दादी मेरे लिए खाने का ले आओ। यार भूख तो मुझे भी लगी है, मेरे लिए लेते आना। मामा क्यों हरकतें कर रहे हो आप फिर से? दादी इन पे ध्यान मत दो, आप मेरा खाने का ले आओ। ठीक है तू कहता तो ले आती हूँ। अच्छा भांजे वो आजकल आना नहीं दिखती, आती नहीं है यहाँ पे आजकल। आपको क्या मतलब उससे? मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी मेरी उससे बातचीत चलवा देना यार, बड़ी क्यूट सी लगती है। अच्छा अच्छा मुझे क्या मिलेगा है? अरे तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए मेरी जान है ना, अपने मामा के लिए इतना नहीं कर सकता। देखो मेरे को आपकी जान नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है बोल। शर्त ये है कि जब भी मैं पार्टी करूंगा तो उसका खर्चा आप उठाओगे, और जो शॉपिंग वॉपिंग करूंगा मैं उसका बिल वगैरह भी आप ही भरोगे। टन पर तू उससे मेरी बातचीत चलवाएगा? हाँ हाँ ठीक है, तेरे सारे खर्चे मैं भरूंगा। अरे भांजा है तू मेरा, तेरे लिए जान हाजिर है, बिल क्या चीज है? जान नीचे मामा आपकी, बस बिल भर देना इतना ही काफी है। डन हो जाएगा, टेंशन मत ले दूं। अरे रचित बेटा तेरा खाना निकाल दिया, आगे खा ले। हाँ दादी आया। ओह।
नाग रवे निर्भाग रवे मेरे चौतर फेंके आग रवे। रचित तेरा पता है मेरी जिंदगी में कितना दुख है, तुझे बता नहीं सकता मैं कितना दुख है मेरी जिंदगी में। अरे मामा होगा ही ना, आपकी हरकतें भी तो ऐसी हैं, कभी किसी के पैसे लेके भाग जाते हो, कभी किसी के साथ फ्रॉड कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो तो कभी कुछ कर देते हो। अबे मामा साले तू फ्रॉडिया एक नंबर का साला शराबी फ्रॉडिया कहीं का। ए लोकेश सुन, तू ना फालतू ना बोलिया कर। ओ भाई रचित ये अना जी कैसी है? कैसी है मतलब क्या? अरे मेरे भाई मेरा मतलब इनका नेचर वेचर कैसा है? नेचर एकदम पागल है, पागल कुछ नहीं आता इसको। पता सारा दिन क्या बोलती रहती है, लेट्स क्लिक अ पिक्चर, लेट्स क्लिक अ पिक्चर, लेट्स क्लिक अ पिक्चर, बस ये करना आता इसको, एकदम पागल है पागल। आना जी पागल, मैं उनका पागल दीवाना। अबे ओ तेरे को क्या करना है, तू क्यों इतनी पूछताछ कर रहा है इसके बारे में? ओ भाई तू मेरी आना जी से सेटिंग करा देना। अच्छा अच्छा गुस्सा क्यों हो रहा है, चल दोस्ती करवा दे। अबे तू उससे दोस्ती करेगा, तू उससे सेटिंग करेगा? अबे शर्म कर ले थोड़ी सी, वो कहाँ 11वीं पास और तू 8वीं फेल, उसकी उम्र 16-17 और तेरी उम्र। अरे भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं अपने माँ बापू को मना लूंगा उससे शादी करने के लिए, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा तेरे को हाना से सेटिंग करनी है? हाँ। देख सेटिंग का तो पता नहीं पर दोस्ती कराने की सोच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी ना तेरे को एक मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या? देख तेरे भाई है ना चंदन सर, उनको याद दिला दियो मेरे प्रोजेक्ट में अच्छे नंबर दे देंगे, और हाँ हमारा प्रोजेक्ट ही सेलेक्ट होना चाहिए। चल ठीक है भाई डन। चल ठीक है फिर, आना से तेरी सेटिंग तो नहीं दोस्ती डन। थैंक यू भाई थैंक यू। कांता आई लव यू, आना आई लव यू। ओ फ्रॉडी है आना मेरी है। ओए लोकेश आना जी मेरी है, सिर्फ मेरी। अबे साले फ्रॉडी है आना मेरी है, आना मेरी है। अबे फ्रॉडी है आना मेरी है, शराबी मेरी है। अबे आना मेरी है। अबे रुको यार तुम दोनों, आना तुम दोनों में से किसी की भी नहीं हो सकती, एक एकदम गधा गवार और दूसरा फ्रॉडियो का सरताज। चल ठीक है मामा एक शर्त रखते हैं। क्या जी शर्त? शर्त ये है कि आना जी अगर मेरे सेट हो गई तो मामा जी आपको गंजा होना पड़ेगा, अगर आना आपके सेट होगी तो मैं गंजा हो जाऊंगा। डन? ठीक है डन 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 डन। अब आएगा ना मजा। चलो गाइस तुम एंजॉय करो, मैं निकलता हूं। आना मैं गंजा नहीं होऊंगा, गंजा तो मामा ही होगा क्योंकि आना मेरे को सेट हो जाएगी। अरे बेटा मेरे जमाने में ना लड़कियां मेरे को टॉम क्रूज बोला करती थी। आना आई लव यू, आना कभी तो इस दिल में आना, आना घर बसाऊंगा तेरे साथ। Cheers. यार निशांत मेरी फोटो क्लिक कर दो। ये श्योर है ना, व्हाई नॉट। चीज यार गाइस एक मिनट, तुम्हें पता है ना आज अपने प्रोजेक्ट का रिजल्ट आने वाला है? हाँ, और अगर हम लोग जीत गए ना तो हम लोग पार्टी करने चलेंगे। हाँ ब्रो शी इज राइट, हम पार्टी करेंगे। अबे किसी का बर्थडे थोड़ी है, पार्टी करने कहाँ जाओगे, क्या करोगे पार्टी करके? अरे यार तू कैसा है रे, अरे हमने इतनी मेहनत करी इस प्रोजेक्ट पे तो पार्टी तो बनती है ना ब्रो। मेहनत अभी बताऊं किसने कितनी मेहनत करी है, बताऊं? अच्छा बता बता किसने कितनी मेहनत करी है, क्या किया है तूने, नहीं किया क्या है तूने, तूने इसकी फोटो खींचने के अलावा क्या काम किया है, और इसने फोटो खिंचवाने के अलावा कोई काम किया है? सारी मेहनत ना मैंने करी है मैंने। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? अगर तू जानता नहीं मुझे, बहुत बड़ा गुंडा हूं मैं,
क्या गुंडा है तू, ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी कुछ? अरे ओ, जुबान के साथ ना हाथ भी बहुत चलता है मेरा। अच्छा चलाइयो हाथ, चलाइयो। तीरी तो वाह, क्या बात है, सुबह सुबह कलेश, रुक क्यों गए, मारो एक दूसरे को अच्छी तरह। ओके मैम। ओ नकली एमएमए कृष्णा, बैठ जाओ चुपचाप, दोनों को एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारा जोश बाहर आ जाएगा। तुम दोनों को प्यार से बात समझ में नहीं आती है, मुर्गा बनाऊं तुम दोनों को मैं? नहीं सो स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो तुम्हारी पुरानी टीचर थी ऐश्वर्या मैम, वो 1 वीक के लिए लीव पे गई हैं, तो अब 1 वीक के लिए मैं तुम्हारी क्लास लूंगी। सो तुम सबके रिजल्ट आने वाले थे प्रोजेक्ट्स के, तो उनमें से प्रिंसिपल सर ने टोटल 3 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए हैं, और जिसमें से एक प्रोजेक्ट हमारी क्लास से भी है, तो उन बच्चों का नाम है रचित, आहाना एंड निशान। ये यार, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अरे हम लोग फर्स्ट कैसे आ गए? अच्छा तुझे नहीं पता, चल फ्लैशबैक में चल। सर व्हाट यू हैव टू डू इज, हमें ना प्रोजेक्ट में अच्छे मार्क्स दो, पर हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करवा दो, उसके बदले हम आपको मैडम का नंबर दे देंगे। बच्चे बच्चे, तेरे भाई है ना चंदन सर, उनको याद दिला दियो मेरे प्रोजेक्ट में अच्छे नंबर दे देंगे, और हाँ हमारा प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट होना चाहिए। चल ठीक है भाई, डन। चल ठीक है फिर, आना से तेरी सेटिंग तो नहीं, दोस्ती डन। लगता है लोकेश के भाई चंदन सर ने हमारा काम करवा दिया। अरे वाह यार क्या बात है, लेकिन एक बात बताओ, अब पार्टी के लिए कहाँ जा रहे हैं? हाँ यार, अब पार्टी? यार देखो वैसे मेरा मन नहीं था पार्टी करने का, बट अब जीत की खुशी में पार्टी तो बनती है, तो अब शाम को बताता हूँ फिर सोच के कहाँ चलेंगे। ओके डन। चल ठीक है भाई डन। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी तो इस पप्पू की बाहों में आओ। ओए पप्पू चुप हो जा, पहले तूने कम खून नहीं पी रखा, जो अब सड़ा हुआ गाना सुना के कान से भी खून निकालेगा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। अरे मामा ये क्या गदर मचा रखा आपने, अरे नीचे गली मोहल्ले तक आपकी बेसुरी आवाज जा रही है। दादी नमस्ते। जीते रहो बेटा। बाजे तू कब आया? और बेटा तेरा स्कूल का दिन कैसा रहा? अरे दादी स्कूल का दिन तो बहुत अच्छा रहा, आपको पता है हम वो प्रोजेक्ट बना रहे थे ना इतने दिन से, उसका रिजल्ट आया है और हम वो प्रोजेक्ट में फर्स्ट आए हैं फर्स्ट, और प्रिंसिपल ने ना ये डिसाइड किया है कि वो हमारे प्रोजेक्ट को आगे भेजेंगे कॉम्पिटिशन के लिए। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई तुमने बेटा। ताई राम राम। राम राम बेटा, फिर से चीनी? अरे दादी यार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ मेरी सुनो पहले, तो मैं ये कह रहा था हम जो प्रोजेक्ट में जीते हैं ना, मैं सोच रहा था उस खुशी में हम फ्रेंड्स लोग पार्टी कर लेते। पार्टी? 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 पार्टी में मतलब आना जी भी आएंगे? पार्टी में आना जी को मैं सेट कर लूंगा, और मेरे सेट होने के बाद पप्पू का सिर मुंडवा दूंगा मैं। अरे भाई क्या हो गया ऐसा? मैं भी चलूंगा। अरे भाई अभी तो हम लोगों ने जगह भी डिसाइड नहीं किया कि जाना कहाँ है। अरे ये दोनों अकेले क्यों जाएंगे भाई, मैं भी चलूंगी, और जगह की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, मेरे को एक जगह मालूम है जो बहुत अच्छी है पार्टी करने के लिए, वहीं चलेंगे। चलो ठीक है दादी, फिर मैं निशांत और आहना को बोल देता हूँ, वो रेडी रहेंगे, बाकी इन दोनों को भी ले ही चलेंगे, अब और क्या ऑप्शन है। ओके दादी। अगर आना जी को पटाना है ना तो पार्टी में जाना पड़ेगा ना मेरी जान।
आपके लोकेशन। Keep it on the low now. We about to pop off like a bottle. Everybody knows that we're going full throttle. Drinking alcohol, yeah, straight from the nozzle. End of the night, end up horizontal. They know they want something more. They know they want something more. They've never heard us before. They've never heard us before. A sound that's hard to. अरे यार, आना बस कर यार. कितनी फोटो खिंचवाएगी? यार बस थोड़ी सी फोटोज और. यार मैं थक गया हूँ यार. अरे वो देख सारे आ गए, रचित आ गया. पर यार मेरी फोटोज का क्या? अरे दादी वो रे निशांत तो रहा ना. हाँ वो रे. हाय निशांत, कैसा है भाई? हाय रचित. हाय आहना. दादी जी नमस्ते. नमस्ते बेटा जी. तेरा नमस्ते मामू. नमस्ते. अरे सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब कौन सर? मैं लोकेश. लोकेश? अब सर नहीं है, अपने सर का भाई है लोकेश, चंदन सर का भाई. ओके 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 ओके. अरे चलो गाइस यहाँ क्यों खड़े हैं, चलो चल के बैठते हैं. चलो ऑर्डर भी करते हैं वहाँ जाके. आ जाओ सब लोग. आ जाओ आ जाओ. अच्छा बच्चों बताओ तुम लोग क्या खाओगे? अरे दादी जो आपका मन है वो मंगवा लो. अरे भाई मैं ऑर्डर करूंगी तो कद्दू करेले बैंगन करूंगी, वो तो तुम लोग खाओगे नहीं, इसलिए बेहतर है अपनी अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर कर दो. आना तू बता तू क्या खाएगी? कुछ भी लाइट सा खा लूंगी. अरे आना जी बताओ ना क्या खाओगे? अरे कहा तो कुछ भी खा लूंगी. अरे बेटे भैया 6 प्लेट कुछ भी ले आओ. अरे रचित वो कुछ पीने का भी मंगा लेना यार. यार गाइस मैं तो ना बहुत बोर हो रही हूँ, जब तक खाना नहीं आता ना मैं तो जा रही हूँ डांस फ्लोर पे डांस करने और अपनी रील्स बनाने. बाय. अरे ये आना जी कितनी ऑसम है. ये कहाँ खो गया है? अभी जाके देख रहा हूँ. अखियां च पाके नी तू सुरमा सुरमा सिखिया तू दस कि तू तुरना तुरना. अखियां च पाके नी तू सुरमा सुरमा सिखिया तू दस कि तू तुरना तुरना. जेड़ा सूट तू पाया सब पुछदे ने कित्थों मिलदा आया. कर क्या रहे हैं दोनों? क्या सोच रहे थे तुम दोनों हैं? ओ मामा मेरी आना जी से दूर रहे.
आई बस उसमें लोकेश तू आना जी से दूर रहकर तू दूर रहकर तू दूर रह अरे तुम दोनों आपस में ही लड़ते रह जाना वहां देखो वहां क्या चल रहा है अबे यार कब तुम दो बिल्लियों की लड़ाई में वो लंगूर बाजी मार गया पता भी नहीं चला अबे ऐसे का शौक हो गए शर्त याद है ना अपनी टकला हो ना टकला You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you just... Yaar guys, ye kya ho gaya? Matlab, Nishant ka scene chal raha hai Ana ke saath. Aur Pappu Mama aur Lokesh to scene se bahar hi chale gaye. Ab bhai, inka bhi pakka nahi pata kya hai, kya nahi. Ab inka kya scene hai, wo to... बेस्ट फ्रेंड के सीजन नंबर 2 में पता लगेगा बाकी मैं अभी सीजन 1 को यहीं पे एंड कर रहा हूँ और सीजन 2 जल्दी लेके आऊंगा कब लेके आऊंगा जब आप सीजन 1 को अच्छा रिस्पॉन्स दोगे 10-10 मिलियन व्यूज तो कर ही दो सारे एपिसोड पे 1 पे 2 पे 3 पे सब पे कर दो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना और पूरे सीजन से सारे एपिसोड से आपका फेवरेट पार्ट बता दो कमेंट करके तो गाइज आई होप आपको बेस्ट फ्रेंड का सीजन नंबर 1 पसंद आया होगा तो भाई सब कुछ कर दो यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो बाकी फिर देखते हैं जल्दी मिलते हैं बेस्ट फ्रेंड के सीजन नंबर 2 के साथ आपको पता है क्या कर रहे हैं 10-10 मिलियन व्यूज कर रहे हैं आपको ठीक है ना तो जल्दी लेके आऊंगा बेस्ट फ्रेंड का सीजन नंबर 2 अरे बाकी तुम भाई हो गया चलो चलते आ जाओ आओ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया